आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को असम मणिपुर का दौरा किया। उन्होंने असम के बाढ़ पीड़ितों और मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल ने मणिपुर के हालात पर राज्य की गवर्नर अनुसुईया उइके से भी मुलाकात कर अपना पत्र सौंपा। राहुल की आधे घंटे ज्यादा समय तक गवर्नर से चर्चा हुई। इसके बाद राहुल पार्टी के कार्यालय पहुंचे और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मणिपुर के हालात पर चिंता जताई। राहुल ने कहा कि मणिपुर में मेरा तीसरा दौरा है, मुझे लगा था कि यहाँ के हालात में सुधार हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ग्राउंड लेवल पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के हालात सुधरेंगे। राहुल ने कहा कि मैं रिलीफ कैंप में गया और हिंसा पीड़ित लोगों की बातें सुनी, लोगों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफरत से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। मैंने गवर्नर से बात की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो भी कर सकती है करेगी। राहुल ने आगे कहा कि मैं पीएम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दो दिन का समय निकालकर मणिपुर आए, यहाँ जो हो रहा है उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। पूरा देश और मणिपुर के लोग भी चाहते हैं कि वे यहाँ आए और लोगों की परेशानी को समझे। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।